हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो स्टूडेंट्स सभी तैयार हो जाइए, आज पॉलिनोमियल्स करने वाले हैं। और लास्ट क्लास जैसी हुई थी बिल्कुल सेम वैसे ही क्लास चलेगी। मैंने यहाँ पर एक नई स्ट्रेटेजी बना रखी, आप लोग जाकर देखना प्रीवियस क्लास में, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास आपकी ली जा रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, आपको पता होगा जिसने नहीं देखी है क्लास, इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है एक बार जाके देख लें। यहाँ पर हम वन मार्क्स वाले क्वेश्चन, चलिए अब आगे बारी किसकी, पॉलिनोमियल्स के वन मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बारी आ चुकी है। तो इस क्लास को आप जितना हो सके एक बार शेयर कर दीजिए और मुझे प्लीज एक बार जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप जरूर बताइए। यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा, आप सभी लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। और चलिए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप तक इस तरह के अपडेट पहुंचते रहें। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से आइए और हम बहुत फास्ट करने वाले हैं जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, ठीक है। सो एक पॉलिनोमियल है अल्फा बीटा, ठीक है, उसके जीरो सॉरी एक पॉलिनोमियल है इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस का पी माइनस का सी, ठीक है। आपसे कह रहा है देखिए इनके दो जीरोज हैं वो कौन है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। उसमें लिखा गया है कि इफ अल्फा बीटा द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, देन अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन कितना होगा। तो पूछ रहा है आपसे अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन की वैल्यू पूछ रहा है, ये कितना होगा। चलिए सुन ये अभी निकलेगा आराम से, एक काम करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है, ये आ गया प्लस का अल्फा प्लस का बीटा और ये आ गया प्लस का वन। तो जब देख रहा हूँ उसको तो क्या मतलब आपको क्या फाइंड करना है पता लग जाएगा यहाँ से। देखिए एक अल्फा बीटा और एक अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इनकी जरूरत आपको पड़ेगी, तो इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है तो आपको ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, देखिए अल्फा बीटा कितना होगा यहाँ पर से देख लीजिए। अच्छा सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक्स का कोएफिशिएंट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस पी एक्स और ये आ जाएगा माइनस का पी माइनस का सी, ठीक हो गया। चलिए सो यहाँ पर बस हमने एक्स के कोएफिशिएंट के लिए सब कुछ किया है, तो यहाँ देख रहा हूँ माइनस का पी आप लोग सॉरी माइनस का पी नहीं अच्छा सॉरी यहाँ पर देखेंगे एक्स का कोएफिशिएंट ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहेगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सर ध्यान से ना यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस पी और कॉन्स्टेंट टर्म कितना है माइनस पी माइनस सी, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है बेटा माइनस पी माइनस सी। अगर आप इसको कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन लेके भी रख सकते हैं, ठीक है, माइनस कर लीजिए अंदर आ गया पी प्लस सी। सो ये हमारा ये ए हमारे यहाँ पर वन है, मैं आपको बता देता हूँ, बी आपका माइनस का पी है और सी आपका माइनस का पी प्लस सी है। ऑलराइट, ये ए बी सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करना है इसको तो जीरो के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर ए आपका है वन, यहाँ पर देखेंगे बी आपका माइनस का पी और सी है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा। तो हम अगर हम देखें तो पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपको पता होगा माइनस का बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी क्लास ले रखी है जाकर देखें सभी लोग, ठीक है। अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस की क्लास ले रखी है, मैं आपको लिंक्स दे दूंगा। सो अल्फा बीटा कितना है देखिए सी अपॉन ए, व्हाट इज सी हेयर माइनस का पी प्लस सी अपॉन ए कितना आपका वन है। अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, अच्छा हाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, तो ये आएगा माइनस और बी कितना है माइनस का पी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका राइट, आराम से करना इसको अपॉन ए, ठीक है। सो देखेंगे यहाँ पर माइनस पी माइनस सी, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और एक चीज और है यहाँ पर इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है, तो इससे ये कट गया। सो हमें मिल रहा है यहाँ से वन माइनस सी, सो वन माइनस सी इज द करेक्ट आंसर एंड आप सभी लोग इसको जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा गया है। इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस का थ्री। चलिए क्या लिखा गया पहले देख लेते हैं, के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री। तो एक पॉलीनोमियल है इस तरीके से, मैंने इसको पी एक्स मान लेता हूँ और के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस वन, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स रूट्स या फिर जीरोस एक ही बात है,
अगर मुझे इस पॉलीनोमियल के जीरोस निकालने हो, ठीक है, देखिए इसमें इस पॉलीनोमियल का जीरोस क्या होंगे, इस पॉलीनोमियल के जीरोस क्या होंगे, के की वैल्यू अगर मिल जाती है तो हम जीरोस भी फाइंड कर सकते हैं, नहीं आराम से। इसमें ऑलरेडी इसका एक जीरोस दे रखा है, जीरो से मतलब है कि एक्स की क्या वैल्यूज है यहाँ पर, ठीक है, जीरो से मतलब है कि एक्स की वैल्यूज। ऑलराइट, देखिए एक्स की दो वैल्यूज आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, दो वैल्यू तो आएंगी आएंगी इसमें एक्स की, नहीं आपको पता है, तो उसमें से एक वैल्यू आपको दे रही है एक्स की -3। इसका मतलब ये हो गया, वो जो एक्स की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं जीरोज, ठीक है, तो इसका मतलब -3। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स जगह पर -3। और इसमें ध्यान सुनिए, ये जो -3 है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप एक्स की वैल्यू -3 यहाँ पर रखेंगे तो पी एक्स अपने आप ही क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। सो इट मीन्स क्या हो गया कि पी ऑफ -3 आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि -3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ पर पी मान जहाँ पर एक्स रखा है वहाँ पर आप -3 रख दीजिए और आंसर निकाल दीजिए इसका, ठीक है। चलिए, सो के ऑफ -3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, देयर फोर इस तरीके से। अब ये आएगा 9 आ गया, तो 9k - 9 -3k + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया 6k - 8 इज इक्वल टू 0, एंड 6k इज इक्वल टू 8 आ गया, एंड k की वैल्यू 8/6, और यहाँ से आपको, ठीक है, 4/3। सो यस, के की वैल्यू कितनी मिल गई, 4/3। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ ध्यान से देखना इसको, समझते हैं अच्छे से, बहुत सिंपल है। व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x²-4। देखिए स्टूडेंट, एक पॉलिनोमियल है इस तरीके से x²-5x + 4। इस पॉलिनोमियल में कितना और ऐड करा जाए कि जिससे क्या हो, जो भी रिजल्टेंट पॉलिनोमियल मिले हमें, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में कितना और ऐड करें कि ये जो भी पॉलिनोमियल आएगा ये क्या होना, इसका क्या होना चाहिए, एक जीरो, 3 होना चाहिए, ठीक है, 3 इसका एक जीरो होना चाहिए, मतलब 3 इसका एक रूट होना चाहिए, तो कितना ऐड करें। अब देखेंगे कितना ऐड करें वाली बात है ना, देखेंगे स्टूडेंट एक तरीका इसको करने का है, शॉर्ट तरीका, वो ये है। अच्छा, पहले आप इसका मतलब समझे, पहले मुझे इतना बता दीजिए, क्या आप इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि इसमें कितना और ऐड करें, ठीक है, कितना और ऐड करें, मतलब जैसे कि 2 ऐड कर दिया या 3 ऐड कर दिया या 5 ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड करने के बाद जो भी पॉलीनोमियल आएगा कि उसका एक जीरो 3 बन जाए, ठीक है, मतलब 3 रखने पर उस पॉलीनोमियल में, फिर 3 रखने पर मतलब एक्स की वैल्यू 3 रखने पर वो पॉलीनोमियल 0 बन जाए, ठीक है। अभी मतलब नहीं बन रहा होगा 0, अभी आप रखिए, अगर आप एक्स की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये 0 नहीं बन रहा होगा, तो कितना और ऐड करें कि 0 बन जाए की बात हो रही है। तो यार ये कितना सिंपल है, देखिए अगर हम सोचें ना इसको, तो हम ऐसा सोच सकते हैं, तो देखिए 3² - 5 × शॉर्ट में, ठीक है, अगर हम शॉर्ट में करना था वैसे कर सकते हैं, 9 - 15 + 4। अब देखिए कितना आएगा, 9 + 4 = 13 - 15, ठीक है, और ये आ गया -2। अब यहाँ से कोई भी बता सकता है कि भाई, कोई भी बता सकता है क्या कि इस -2 में कितना और ऐड करें कि ये पूरा 0 बन जाए, कितना ऐड करें बेटा, +2। तो इसका मतलब हमें यहाँ +2 करना पड़ता, तब उस पॉलीनोमियल पर 3 रखने पर, मतलब उस पॉलीनोमियल पर एक्स की वैल्यू 3 रखने पर, क्योंकि यार उसका एक 0 3 है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 3 रखने पर वो पूरा 0 हो जाता। तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि MCQ वाला पार्ट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो -2 में कितना और ऐड करें कि ये 0 बन जाए, अब ये 0 बन रहा है, तो कितना ऐड किया, 2। तो ध्यान सुनना इसका आंसर क्या होगा, 2। और कोई पूछे इसका पॉलीनोमियल क्या बनेगा फिर, x²-5x + 6। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये है वो पॉलीनोमियल जिस पर जिसका एक रूट क्या है, मतलब एक 0 या फिर रूट क्या है, 3 है, ठीक है, समझ गए सभी लोग, बहुत आसान है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही आपके पास और भी क्वेश्चन आएंगे, क्या सब्सट्रैक्ट करने में, क्या प्लस करने में, क्या माइनस करने में, आप लोग बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन 3 हो गए, 4th क्वेश्चन कराता हूँ। द नंबर ऑफ पॉलीनोमियल हैविंग जीरोस -2 और 5। कितने पॉलीनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस -2 और 5 होंगे, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका ऑप्शंस क्या दिए हैं उस पर, ठीक है। सो वैसे तो बहुत सारे होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जीरोस याद रखना, अगर जीरोस -2, क्या एक ही पॉलीनोमियल होगा जिसका जीरोस -2 और 3 आए, बहुत सारे पॉलीनोमियल बन सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है,
जैसे मान लीजिए ये आपके जीरोज हैं, तो मैं अगर यहाँ मान लूँ ये अल्फा और प्लस बीटा है, फॉर सपोज ये अल्फा बीटा है, और मैं कहता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यहाँ से माइनस टू प्लस फाइव थ्री हो गया, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया आपका माइनस का टेन हो गया। ठीक है, अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज आता है यहाँ पर, क्या आता है बेटा, सम ऑफ जीरोज प्लस रूट ऑफ जीरोज, यहाँ से पॉलीनोमियल तैयार होता है आपका। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पर आप एक कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं के। सो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो ये 3x प्लस ये माइनस का 10। तो एक देखिए यहाँ पर k की वैल्यू नॉन जीरो, मतलब k की वैल्यू जीरो नहीं होगी, आप कुछ भी रख लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ k की वैल्यू आप रखते जाइए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, पॉलीनोमियल तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जीरो उसका कॉमन ही आएगा। अब देखिए मैं ऐसे समझ सकता हूँ, अगर के की वैल्यू वन होगी तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, ठीक है, इसके जब आप जीरोस फाइंड करेंगे, इसके जब आप जीरोस फाइंड करेंगे आपको माइनस टू और फाइव मिलेगा। अब एक काम करते हैं, इस पूरी क्वेश्चन में देखिए के की वैल्यू मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मान लो मैंने टू रख दी तो कितनी जाएगी, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू थ्री या सिक्स एक्स में टू ट्वेंटी, लो एक पॉलीनोमियल और तैयार हो गया। आप थ्री रख लीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस का थर्टी, एक पॉलीमर और तैयार हो गया। तो ऐसे तो कितने बहुत सारे पॉलीमर बन सकते हैं ना, तो ये ऑप्शन में अगर दिया होगा आपको मोर देन थ्री, या फिर ऐसे करके कुछ ऑप्शन होंगे, मतलब दो नहीं होंगे, दो से ज़्यादा ही होंगे, या फिर थ्री नहीं, थ्री से ज़्यादा ही, इस तरह के आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर मोर देन थ्री दिया है, तो आप लोग मोर देन थ्री पर टिक लगाएंगे, बहुत सारे बन सकते हैं, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कितने ही बना लीजिए, क्योंकि आप देखिए इसको जीरो के बराबर करेंगे और थ्री यहाँ से कॉमन लेंगे, ये जैसा था वैसा का वैसा ही बन जाएगा, और इसके जीरोस वही आ जाएंगे, यहाँ चले जाएगा इसके जीरोस वही आ जाएंगे जो माइनस टू और फाइव दिया था। तो इस तरह के पॉलीनोमियल तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जीरोस कॉमन होंगे, माइनस टू एंड फाइव ही मिलेगा। ठीक है, चलिए, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इससे कोई अगर ये भी पूछे तो इसका इक्वेशन क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या बनेगी, ये बनेगी। और बहुत सी जगह पे इसको ऐसा के नहीं लिख देते हैं, सिंपल सा ऐसा भी लिख सकते हैं, दो आपके पास तरीके हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे करिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसा बनेगा, इक्वेशन ही हुई एक तरीके की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर लिया गया है कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम दे रखा आपको, आपको क्वाड्रेटिक की मैंने बता दिया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, ये कह रहा है कि बताओ व्हाट इज द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। ठीक है, चलिए राइट द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कह रहा होगा क्वेश्चन, और क्या कह रहा है, ठीक है ना, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की क्वेश्चन क्या होती है, देखिए यहाँ पर बहुत से जगह पे के भी लिखा रहता है। अच्छा, अगर मैं ना लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि मैंने बता दिया के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इट्स क्या बस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लीजिए, हो गया। ठीक है, यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी जो भी है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। यहाँ पर बाहर से एक्स के भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है, बहुत से बुक्स में बाहर से के लिखा गया, उसका मतलब मैंने बता ही दिया क्या होता है, के इज एनी नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, आप वन टू थ्री फोर कुछ भी रख लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर इवन नेगेटिव भी, अब देखेंगे यहाँ पर अब क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है बताइए, इट इज गिवन दैट कि हमें सम ऑफ जीरोस कितना है माइनस का वन बाय टू, तो यह हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है, ध्यान से रखना इसको, माइनस का यह है यहाँ पर दे रखा है माइनस का वन बाय टू इंटू एक्स प्लस प्रोट ऑफ जीरोस कितना है माइनस का थ्री है। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए आप इसको ऐसे कर लीजिए, यह आ गया प्लस का एक्स बाय टू, ठीक है, माइनस का थ्री। बहुत सी जगह पे ऐसा भी दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ क्या। ठीक है, अगर इसको मैं जीरो के बराबर कर दूँ तो और टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का सिक्स, समझ आया सबको। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक, या तो ये लिख लीजिए या तो ये लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन देखना आप लोग, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चलना। यहाँ मैंने टू का मल्टीप्लाई किया, सब चुका फ्रैक्शन पर हटाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया,
क्योंकि ऐसे ही आप लोग रूट सम निकालेंगे। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना होगा तो आप इस तरीके से करना करेंगे, ठीक है, आसान रहेगा इसीलिए। चलिए सो यहाँ पर देखेंगे हमारे आ चुके हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलीमर हमारी बन चुकी है, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलीमर, ठीक है, ये हमारी क्या थी, क्वाड्रेटिक पॉलीमर थी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आता जीरो सब अच्छा, एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला है कि यहाँ पर एक एफ टी करके आपको पॉलीमर दे रखा है, टी का स्क्वायर माइनस का फोर टी प्लस का थ्री, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर फोर बीटा की पावर थ्री प्लस अल्फा क्यू बीटा की पावर फोर। चलिए स्टूडेंट देखिए इसको कैसे करेंगे, देखा जाए, देखते हैं, ठीक है, आइए तो यहाँ पर देखेंगे इसको करने के लिए एक काम कर लेते हैं। पहले यहाँ से देखिए दोनों जगहों पर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब दिख रहा है जो कि कॉमन है, सॉरी, और अंदर बच गया अल्फा और यहाँ बच गया बीटा, इतना समझ में आया सबको, ठीक हो गया। उसके बाद एक काम करते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा का उसका होल क्यूब बना लेते हैं, और अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, देखिए ध्यान से किए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, ये है सी ए, तो थ्री का क्यूब हो गया अपॉन ए मतलब वन, ठीक, अच्छे, नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, तो ये कितना आ गया आपका माइनस का बी अपॉन ए ना, तो बी कितना है माइनस का फोर है, बी कितना है माइनस का फोर है, तो ये आएगा माइनस का माइनस फोर, ठीक है, अपॉन ए, अच्छा थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन इंटू माइनस माइनस प्लस फोर सेवेंटी, ये 108 आपका इसका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन से देखिए स्टूडेंट, अल्फा एंड बीटा आता जीरो सब द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पर क्या है एक्चुअली देखिए, यहाँ पर आपको पास कहेंगे कि x नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, ऐसे तो कर सकते हैं ना, प्लस जीरो एक्स माइनस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालिए जिनके जीरोज ही यही हो, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनानी है जिनके हूज जीरोज आर, इसका मतलब देखिए हूज जीरोज आर, ध्यान से ना ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके लिए टू अल्फा अपॉन बीटा एंड टू बीटा अपॉन अल्फा, इसका मतलब आप क्या करेंगे ना, मैं बताता हूँ आपको, जब ये अपने आप में पूरा एक जीरो, ध्यान से सीखना सुनो, इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ऐसा है ना, जैसे आप कहते हैं कि इस पॉलीनोमियल का कोई एक पॉलीनोमियल ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, आप कहते हैं कि इसका पॉलीनोमियल अल्फा एंड बीटा के पॉलीनोमियल्स हैं, ठीक है, मतलब सॉरी अल्फा एंड बीटा के जीरोस हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि ये कह रहा है कि ये मान लीजिए अल्फा है पूरा, ये मान लीजिए बीटा, मतलब दो अलग अलग जीरोस हैं, ये रूट्स होंगे, दो अलग अलग रूट्स होंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब आप सम ऑफ जीरोस, ठीक है, मतलब मान लीजिए अल्फा है ये बीटा है, तो जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या निकलेगा, सम ऑफ जीरोस निकलेगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला अभी लिखा था, वो मैंने फिर से रब कर दिया, आप लोग ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस, अगर यही जीरोस हैं तो इन्हीं का क्या करो, सम करो, नहीं, अगर यही जीरोस हैं तो इनका सम करके बताओ ना, टू अल्फा प्लस बीटा प्लस टू बीटा अपॉन अल्फा, देखते हैं क्या आता है, नीचे आएगा अल्फा बीटा, ऑलराइट, और बीटा से बीटा, बीटा में बीटा टू अल्फा स्क्वायर बीटा, थोड़ा लेंथी जाएगा क्वेश्चन, बट स्टिल हम करेंगे इसको, बीटा से बीटा कट गया और अल्फा बचा, टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब ये सम ऑफ जीरोस है, ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू टू बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, और ये अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा कट गया, कितना आ गया, फोर आ गया, ये तो ठीक है, चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, फोर आ गया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसमें यहाँ पर क्या करना है आपको, एक काम वैसे कर सकते हैं आप लोग, एमसीक्यू में जब ऑप्शन होंगे कहीं पर देख लेना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फोर आ रहा है और हमारे पास फॉर्मूला ये होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, और ये आपका कहीं ना कहीं देखिए फोर आ रहा है, ठीक है ना, मानता हूँ यहाँ पर अभी जीरोस हमारे ये हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पॉलीनोमियल फाइंड करने की इक्वेशन तो यही है ना, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने की इक्वेशन तो यही है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा, फोर आ रहा, अगर कहीं ऑप्शन में ऐसा हो रहा हो प्लस का फोर आ रहा हो ऐसे करके, और कहीं ना हो बाकी जगह अलग अलग नंबर्स हो, तो सीधे टिक लगा देना आप लोग प्लस ये वाला, ठीक है, जिस भी ऑप्शन में प्लस फोर होगा लास्ट में, ठीक है, नहीं तो चेक करना पड़ेगा अगर दो तीन ऑप्शन में एक जैसी वैल्यूज होंगी तो। अब देखेंगे यहाँ पर हमें सबसे पहले ये तो ठीक हो गया, लेकिन हमें बात आती है ये कैसे फाइंड करें, ठीक है। चलिए हम अटकते हैं इस चीज पर, सम ऑफ जीरोस पर, तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट था उस पर अटके हम, तो यहाँ पर क्या है देखिए, टू
और अंदर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है, देखिए स्टूडेंट आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, ठीक है चलिए। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए बहुत सिंपल सा है। अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, देखिए फ्रेंड इसको यहीं रख दिया, ये वाला पार्ट इधर ले आए तो कितना आ गया तरीका आपका, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, चलिए हो जाएगा ठीक है। तो ये आपका कैसे निकला, टू तो ऐसे रहने दीजिए और अंदर क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। इससे होगा क्या, इससे यही होगा कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा क्योंकि बहुत सी चीजें पहले से ही आपको दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। टू ऐसी रहा, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन है जबकि जीरो हो रहा है, तो ये पार्ट तो पूरा जीरो हो गया। माइनस का टू, अल्फा बीटा कितना है, फोर है, कितना फोर है, और नीचे कितना है आपका, ये भी फोर है, तो ये आ गया आपका टू फोर जा एट, एट टू सिक्सटीन, सो माइनस का सिक्सटीन बाय फोर आया, माइनस का फोर आ रहा, ठीक है माइनस का फोर आ रहा, स्टूडेंट ध्यान से करना इसको, ठीक है चलिए। माइनस का फोर आ रहा है तो यहाँ रख दीजिए ना, अल्फा प्लस बीटा आ तो गया आपका, ठीक है सम ऑफ जीरोस आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ अगर देखिए, अगर आप इसका मतलब ये हो गया, ये तो भाई फॉर्मूला है ही है, ठीक है किसी भी पॉलीनोमियल निकालना है, ठीक है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है, अगर उसके रूट्स हो, उसके जीरोज या फिर रूट्स हों, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास अभी ये था पॉलीनोमियल, तो इसका कहने का मतलब ये था कि तुम ये बताओ सम ऑफ जीरोस क्या हैं, टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस टू बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है ये बस समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं लिखना है बस, ठीक है। और इस तरीके से इसका मतलब ये हो गया, इस तरीके से चलिए। अब देखेंगे यहाँ पर हमने ये तो निकाला, अभी कितना आया, एक आया माइनस का फोर, यहाँ पर एक्स होता है माइनस का फोर एक्स, और ये हो गया आपका प्लस का फोर, तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे से के भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है अगर दिया हो तो ऑप्शन में आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास का आंसर आ गया, यस। वन मोर थिंग ध्यान देना, यहाँ पर जो ये आंसर आ रहा था माइनस का फोर आ रहा था, माइनस तो बाहर से ही है, तो यहाँ पर माइनस और ये वाला माइनस आएगा, ठीक है। सो जब देखेंगे हम तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज द करेक्ट आंसर, थोड़ा सा लेंथी हो गया, कोई बात नहीं चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है, ये एट्थ क्वेश्चन है, इस पर ध्यान से करना इसको। एक पॉलीनोमियल दे रखा है इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, जहाँ पर ए क्या है, जीरो बराबर नहीं है। ये कह रहा है इस पॉलीनोमियल के जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा गया है कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, ठीक है ध्यान से सोचना। एंड लिखा गया है कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, ये भी है ऑप्शन में। एक चीज और है कि आर ऑलवेज अनइक्वल, एक है आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है तो कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए दोनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकते, ध्यान सुनना, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखना। अगर यहां पर देखेंगे हम ए की वैल्यू, देखिए स्टूडेंट ध्यान रखना, इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर आप रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, मान लीजिए आपने फोर रख लिया, ठीक है ए की वैल्यू, तो ये फोर हो गया, तो देखेंगे तो ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर होता है, तो इस तरह से क्या हो गया एक्स प्लस टू, तो दोनों आपके पॉजिटिव नहीं हो सकते। देखिए ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है नेगेटिव आ रहा है, देखिए ठीक है समझे सभी लोग। चलिए तो इसका आंसर देखिए क्या आ गया, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते इसके रूट्स, देखिए नेगेटिव आ रहे दोनों, सही तो कह रहा है इसका मतलब, दोनों पॉजिटिव हो ही सकते, आप कुछ भी रख लीजिए, थ्री रख लीजिए, फोर रख लीजिए, ठीक है दोनों क्या है नेगेटिव है, ठीक है ठीक है समझाया, दोनों क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। सो अगर देखिए कैन बी बोथ नेगेटिव होता तो सही होता, ठीक है लेकिन कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव भी कह रहे हैं, ठीक है तो ये भी गलत हो गया, समझना क्या कहा, कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते दिख तो रहे, ठीक है तो इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। सो कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, आराम से करना बेटा, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, ठीक है बाकी चीज को चेक ही नहीं करना है, आर ऑलवेज इक्वल या अनइक्वल, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर नाइन,
एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताओ जिसके जीरोस का जो सम है वो जीरो है एंड उसका एक जीरो थ्री है। अच्छा तो ये कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाओ कि तो अच्छा क्वेश्चन आ गया। मतलब ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरो है, उसका कोई भी एक पॉलीनोमियल आप लोग थ्री रख लीजिए, सॉरी कोई भी एक जीरो थ्री रख लीजिए। मैं मानता हूँ लेट बीटा इज इक्वल टू थ्री क्योंकि दिया गया है शायद ये, तो एक पॉलीनोमियल हाँ हूज वन जीरो इज थ्री। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया आप देखेंगे, अल्फा प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा भी कितना आ गया माइनस का थ्री। तो इसका मतलब आप इक्वेशन बना सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है समझ में आ रहा सबको, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ से पॉलीनोमियल इक्वेशन तैयार होती है हमारी, ये तो जीरो बन जाएगा प्लस माइनस थ्री माइनस जीरो और कितना बचेगा आपका माइनस का नाइन बचेगा। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन भी हो गया, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत आसान है जल्दी से आइए। आइए सुन लास्ट क्वेश्चन थे, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एफ एक्स, ठीक है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एफ एक्स कितना इस नेगेटिव ऑफ द अदर। अच्छा इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से एक पॉलीनोमियल पहले लिख देते हैं, क्या है हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर माइनस का एट के एक्स, उसके बाद है प्लस का नाइन, ठीक है। और इसका कोई एक जीरो होगा, मैंने मान लिया अल्फा, वो दूसरे वाले का नेगेटिव है, वो जो दूसरा कौन है बीटा, सो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया जीरो हो गया। देर नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चंस में, एकदम दिमाग चलाइए आंसर निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसका अगर अल्फा बीटा जीरो के बराबर आता है के क्यों निकाल सकते हैं आप लोग, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो बी कितना है यहाँ पर एट के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन फोर इज इक्वल टू जीरो। ये तो बहुत आसान हो गया, तो एट के इज इक्वल टू जीरो आ रहा है और के की वैल्यू यहाँ से जीरो आ गई है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह की ये क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के लिए, बस आपको एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग, इस नंबर पर बता दीजिए कि इस तरह की क्लास आप चाहते हैं कि और कंटिन्यू रहे या नहीं, नहीं तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ ये क्लास को अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो प्लीज़ एक दो बार देख लें, यह आज हमारी सेकेंड क्लास हो चुकी है पॉलीनोमियल्स की। अगर आप लोग चाहते हैं नहीं एम सी क्यूज रहने दीजिए, आप बस टू मार्क्स या फिर थ्री मार्क्स वाले क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दीजिए तो मैं क्लास ले लूँगा, लेकिन जब तक आप नहीं बताएंगे तो मैं अपने हिसाब से ही चलते रहूंगा। तो चलिए इसको देख लेना अच्छे से, और अगर अच्छी लगे तो अपने अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना, ठीक है, उनसे भी आप लोग सजेशन ले लेना एक बार कि वो लोग आपके फ्रेंड्स लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, इस तरह क्लास अच्छी है या नहीं है, ठीक है। और मुझे जैसा लगता है मेरे हिसाब से जहाँ तक है बेस्ट क्लास है, क्योंकि इससे आपका हर एक पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है हर एक पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि अगर हम सैम्पल पेपर की तरफ जाएं तो आपको पता है यहाँ पर चार पार्ट्स हैं ए बी सी डी, और ऐसे हम हर एक चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, ए पार्ट को पहले कंप्लीट कर दे रहे हैं सारे चैप्टर का, फिर बी पार्ट को सारे चैप्टर का कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा है ना, कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है, 80 out of 80 लाने की बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप सभी लोग मुझे बताएं, चलिए अब शेयर कर देना बेटा इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को, और जो भी आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आप तक इस तरह की क्लासेस पहुंचते रहें, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सबसे पहले व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक आपको नीचे हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।